24 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले मुल्क में 3,80,00,000 भिखारी हैं, जिसमें 12% मर्द, 55% ख़वातीन, 27% बच्चे और बकाया 6% सफ़ेद पोश मजबूर अफराद शामिल हैं। स्याह टीवी की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, इन भिखारियों का 50% कराची, 16% लाहौर, 7% इस्लामाबाद और बकाया दीगर शहरों में फैला हुआ है। कराची में रोज़ाना औसत भीख 2,000 रुपये, लाहौर में 1,400 और इस्लामाबाद में 950 रुपये है। पूरे मुल्क में फ़ी भिखारी औसत 850 रुपये कमाता है। रोज़ाना भीख की मद में ये भिखारी 32 अरब रुपये लोगों की जेबों से निकाल लेते हैं। आप सब ये जानकर हैरान होंगे कि सालाना ये रकम 117 खरब रुपये बनती है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछले दिनों पाकिस्तान ने IMF से $1 अरब कर्ज लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। लेकिन ये सुनकर आप मज़ीद परेशान होंगे कि पाकिस्तान में भिखारी एक साल में तकरीबन $42 अरब अवाम की जेबों से निकलवा लेते हैं। बगैर किसी मुनाफे बख्श काम के भिखारियों पर तरस खाकर इनकी मदद करने से हमारी जेब से सालाना $42 अरब निकल जाते हैं। इस खैरात का नतीजा हमें सालाना 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है और मुल्की तरक्की के लिए 3,80,00,000 अफराद की अजीमुशान अफरादी कुव्वत किसी काम नहीं आती, जबकि इनसे काम लेने और मामूली काम ही लेने की सूरत में आमदनी $38 अरब मुतवक्के है, जो चंद बरसों में ही हमारे मुल्क को मुकम्मल तौर पर अपने पाँव पर खड़ा कर सकती है। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स और लाइक करने का बेहद शुक्रिया।